गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे क्लास 8 साइंस चैप्टर 8 कंबशन एंड फॉसिल फ्यूल, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में टाइप ऑफ कंबशन के बारे में बताया था, जिसमें रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोसिव के बारे में मैंने बता दिया। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स और कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन सच एज LPG, मीथेन, ETC, ऐसे सबस्टेंस या कंपाउंड जो किससे बने हो, हाइड्रोजन से बने हो और कार्बन से बने हो, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल में CH4 से कहते हैं मीथेन, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, जैसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। जैसे LPG हुआ, मीथेन हुआ, ETC। तो क्या होते हैं? बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं, कम्बशन करते हैं, तो क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। जैसे CH4 जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या? CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। कंबशन कैन बी टू टाइप, दो तरह के कंबशन होते हैं, एक कंप्लीट कंबशन, एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन, इट टेक्स प्लेस इन द सफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस ए क्लीन ब्लू फ्लेम एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। कंप्लीट कंबशन कब होता है? जब कंबशन हो रहा हो तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली सफिशियंट हो, तो वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा। और जब कंप्लीट कंबशन हो रहा होगा तो उसकी जो फ्लेम होगी वो ब्लूइश कलर की होगी, इस तरह की। जैसे हम घरों में देखते हैं स्टोव, स्टोव की कलर कैसे होती है? जो LPG सिलेंडर से जो स्टोव जलता है उसकी कलर ऐसे ही दिखती। तो वहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है। और वो जब रिएक्शन करके जब जलते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट का प्रोड्यूस करते हैं। लाइट उतनी तो आती नहीं है उसे जलने से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, पेट्रोल प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O प्लस हीट। तो पेट्रोल क्या है? एक कंप्लीट कंबशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबशन। व्हेन देयर इज इनसफिशियंट एयर और ऑक्सीजन प्रेजेंट फॉर द कंबशन टू टेक प्लेस, जब इनसफिशियंट, जब कंबशन हो रहा होगा तो उस समय एयर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम्प्लीटली नहीं हो पा रही होगी, इनसफिशियंट होगी, तो वहाँ पर क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन अकर्स होगा। इस केस में क्या होगा? एक येलो फ्लेम बनेगा, येलो फ्लेम, जहाँ पे हम ब्लूइश कलर का फ्लेम था वहाँ पे कैसा दिखेगा? येलो कलर का फ्लेम आएगा विथ ब्लैक स्मोक, जिसके साथ धुएं भी निकलेंगे, ब्लैक स्मोक। और क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जहाँ पे CO2 की जगह क्या निकलेगा? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO। और वाटर निकलेगा, H2O। हीट निकलेगा बट लाइट नहीं दिखेगा। जैसे पेट्रोल प्लस ऑक्सीजन इनसफिशियंट जब होगा तो CO प्लस H2O प्लस हीट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होती है? पहला, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सबस्टेंस। जब भी कंबशन होगा तो कोई एक सबस्टेंस होगा वही ना जो जलेगा, नहीं जलने वाला ही सबस्टेंस नहीं होगा तो कैसे कंबशन होगा? तो एक कंबस्टिबल सबस्टेंस का होगा, जैसे कोयला, कुछ भी हो सकता है। इट इज़ अ फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द कंबशन टू टेक प्लेस इन ओनली कंबस्टिबल सबस्टेंस एंड नॉन कंबस्टिबल सबस्टेंस लीड टू कंबशन प्रोसेस। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन। जब कंबशन होगा तो वहाँ पे किसका प्रेजेंस होगा? एयर का प्रेजेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए, तभी यहाँ पे कंबशन होगा या आग जलेगी। नेक्स्ट, अचीव इग्निशन टेम्परेचर। जब भी कंबशन होगा तो एक ऐसा टेम्परेचर, हर सबस्टेंस का एक टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो कैच फायर करती है। जैसे एक टेम्परेचर पे ही वो आग जलेगी। जैसे कागज़ जैसे रखा हूँ यहाँ पे तो जल रही है, नहीं, जब तक उसको टेम्परेचर उसको नहीं मिलता 100 डिग्री सेल्सियस या जो भी, तब तक वो आग पकड़ती नहीं है, वो कैच फायर नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। तो डिफरेंट मटेरियल कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर, सभी मटेरियल का जो कैच फायर होता है डिफरेंट होता है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सबस्टेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब कोई सबस्टेंस प्रेजेंस ऑफ एयर में जलने लगे उसे ही हम क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर, जो एक लोवेस्ट होता है। दस इट इज इसेंशियल टू हीट ए कम्बस्टिबल सबस्टेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर सो दैट इट कैन अंडरगोज कम्बशन। तो ये जरूरी है कि हम जब किसी सबस्टेंस को कम्बस्टिबल सबस्टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो उसके हीट, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसकी हीट को पहुँचाना पड़ेगा। देर आर सम सबस्टेंस विच हैव द हाई इग्निशन टेम्परेचर सच एज कोला, ऊट, चारकोल। कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनके इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। दिस सबस्टेंस डू नॉट कैच फायर इजली, ये सबस्टेंस आसानी से कैच फायर नहीं करते हैं,
इसलिए इसे क्या कहते हैं, फ्लेमेबल सबस्टेंस के नाम से जाना जाता है। द सबस्टेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसे सबस्टेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, जैसे अल्कोहल हुआ, पेट्रोल हुआ, एलपीजी हुआ, जो कैच फायर इजिली कर लेती है, इसे क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल सबस्टेंस। आपने घर में देखा होगा कोयला, लकड़ी और चारकोल को जलाने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एल्कोहल हुआ, पेट्रोल हुआ, एलपीजी को हम थोड़ा सा भी हीट देते हैं तो क्या होता है, जलने लग जाता है। दस दे नीड टू बी स्टोरेज वेरी केयरफुल, इसलिए इनको जो स्टोरेज होता है वेरी केयरफुली ध्यान से रखना पड़ता है। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज 232-233 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो टेम्परेचर होता है इग्निशन वो कितना होता है पेपर का, 233 डिग्री सेल्सियस। दस पेपर मस्ट बी हीटेड एट टू एटलीस्ट दिस टेम्परेचर इन ऑर्डर टू बर्न द पेपर, जब हम पेपर को इस टेम्परेचर तक हीट करेंगे तभी वो आग पकड़ता है। देयरफॉर वी कैन से दैट पेपर विल नॉट कैच फायर एट रूम टेम्परेचर, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पेपर होता है रूम टेम्परेचर पे फायर कैच नहीं करता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री तक मैक्सिमम, ठीक है। बिकॉज इट इग्निशियन टेम्परेचर इज हायर देन द रूम टेम्परेचर, क्योंकि उसका जो इग्निशियन टेम्परेचर है 233 वो रूम टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा हायर है। When we introduce a burning match stick to the paper, the heat so produce heats, the paper so its ignition temperature and burn. जब हम उसे मैच स्टिक मतलब एक माचिस की तीली से जलाते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, हीट प्रोड्यूस होता है, वो हीट और प्रोड्यूस करती हीट को, जिससे कारण वो जो पेपर होता है उसका इग्निशियन टेम्परेचर 233 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है, जिससे कारण वो पेपर बर्न करने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी एक्सटिंग्यूस फायर, वी नो दैट नेसेसरी कंडीशन फॉर कम्बशन, हमें पता है कि हम कैसे कम्बशन को कर सकते हैं और क्या क्या कंडीशन है। इफ़ वी इलिमिनेट एटलीस्ट वन ऑफ दिस कंडीशन वी कुड नॉट एक्सटिंग्यूश द फायर, जब हम इनमें से कोई एक कंडीशन भी हटा देंगे तो हम फायर को जलने से आग को बुझाने में पॉसिबल हो सकते हैं। एक्सटिंग्यूश मतलब बुझाना, कैसे बुझाएंगे। वी कैन रेयरली इलिमिनेट द प्रेजेंस ऑफ कम्बस्टेबल मटेरियल बट वी कैन नॉट इलिमिनेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या लोअर डाउन द टेम्परेचर बिलो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कम्बस्टेबल सबस्टेंस अबव, हम क्या अगर बुझाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जो हम कंडीशन क्या थी, प्रेजेंस ऑफ कम्बस्टेबल सबस्टेंस था, दूसरा ऑक्सीजन का प्रेजेंस था और इग्निशन टेम्परेचर, तो हम सबस्टेंस को तो हटा सकते हैं लेकिन प्रेजेंस ऑफ एयर हटा सकते हैं एटमोसफेयर से नहीं, और एक बार वो इग्निशियल टेम्परेचर पहुंच गया तो उसे हटाना भी मुश्किल हो जाएगा, तो हमारे लिए इजीली क्या है कि हम सबस्टेंस को रिमूव कर लें, जिससे कारण क्या होगा, एक्सटिंग्यूस हो जाएगा मतलब फायर बुझ जाएगी। यू मस्ट हैव सीन द फायर ब्रिगेड पावर्स वाटर एट द फायर प्लेस एज इट हेल्प टू एक्सटिंग्यूस द फायर, आपने देखा होगा जो फायर ब्रिगेड होते हैं जहाँ पर आग जल रही होती है वहाँ पर क्या करते हैं, पानी की सप्लाई करते हैं, जिससे कारण क्या होता है, वाटर टेक्स अवे द हीट फ्रॉम द फायर, जिससे कारण क्या होता है, जो वाटर होता है जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, मतलब इग्निशियन टेम्परेचर से लोअर हो जाता है, जिससे कारण आग बुझ जाती है। इट प्रोवाइड कूलिंग टू द बर्निंग मटेरियल बिलो इट्स बॉइलिंग इग्निशियन टेम्परेचर, आल्सो वाटर वेपर सराउंड द कम्बस्टेबल मटेरियल एंड दस ब्लॉक द कंटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, और जो वाटर वेपर होते हैं वो चारों कम्बस्टेबल सबस्टेंस के एक घेरा बना लेते हैं, जिसके कारण वहाँ पे एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं हो पाती, जिससे आग बुझ जाती है। वाटर इज यूज टू टर्न ऑफ द फायर बट इट समटाइम फीड्स कम्बस्टेबल मटेरियल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कम्बस्टेबल मटेरियल, क्या करते हैं कभी कभी हम वाटर का यूज करते हैं आग बुझाने में, लेकिन जरूरी नहीं कि हम हर जगह वाटर का ही यूज करें आग बुझाने में, किसी किसी केसेस में वाटर आग बुझाने में काम नहीं आ पाता है, जैसे लिक्विड से जैसे केरोसिन हुआ, कुकिंग ऑयल हुआ, आर लाइटर देन वेटर, ये सब क्या है, वाटर से लाइटर होते हैं। दस दे फ्लोट ओवर द टॉप ऑफ वाटर एंड वुड नॉट गेट मिक्स विथ इट, तो ये क्या होते हैं, ये जो वाटर के टॉप पे फ्लोट करने लग जाते हैं, जिससे कारण क्या होता है, द पोरिंग वाटर ओवर द सबस्टेंस कैन नॉट कॉज द एक्सटिंग्यूश ऑफ फायर, जिससे कारण अब उस पानी के ऊपर वो तेल आ गया तो तेल मटेरियल मिल गया, बाहर ऑक्सीजन मिल गया और इग्निशन टेम्परेचर मिल गया तो वो जलने लगेगा, तो उससे कोई हमें बेनिफिट नहीं होगा, तो इसलिए जब केरोसिन हो, कुकिंग ऑयल हो, तो हम वाटर का यूज़ नहीं करते हैं आग बुझाने के लिए। इफ़ वाटर इज पोर्ड ओवर बर्निंग मटेरियल सच एज मैग्नीशियम इट कैन काज मोर डेंजर, जब क्या होता है, जब मैग्नीशियम जल रहा होता है अगर उस पर हम ऑक्सीजन को और वाटर को डालते हैं तो वो और डेंजरस हो जाता है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर जाता है, जिससे कारण क्या होता है, और आग तेज से पकड़ लेती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस काफ़ी इग्निशियस होता है। Does it add also combustible material? जो हाइड्रोजन गैस होती है वो भी एक combustible material हो जाती है, जिससे कारण आग और बढ़ जाती है, ठीक है। In case where water cannot be used, carbon
ऑक्साइड इज द बेस्ट इंडस्ट्री, जहाँ पे हम वाटर के यूज नहीं कर पाते हैं वहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है उस इग्निशियस सबस्टेंस या कम्बस्टिबल सबस्टेंस के अराउंड घेरा बना लेता है। घेरा बनाने से वहाँ पे एयर की सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है तो आग बुझ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बिंग इन लाइटर देन एयर, वो हल्की होती है, सेटल डाउन एंड कवर द फायर एज ए ब्लैंकेट, जो क्या करती है फायर को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है, दस ब्लॉकिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। हैंड द फायर विल बी एक्सटिंग्यूश्ड, जिसके कारण क्या हो जाती है फायर बुझ जाती है। दे आर द फॉलोइंग टू कॉमन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर, जो दो टाइप के फायर एक्सटिंग्यूशर होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं आग बुझाने के लिए। पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर, दूसरा होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। ठीक है, तो पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर। कैसे होते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज ए लिक्विड, इसे क्या करते हैं इस एक्सटिंग्यूशर में कार्बन डाइऑक्साइड को काफ़ी हाई प्रेशर में लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिलीज फ्रॉम द फायर एक्सटिंग्यूशर इट एक्सपैंड एंड कूल्स डाउन, जब ये फायर कार्बन डाइऑक्साइड जब उस एक्सटिंग्यूशर से रिलीज होती है तो ये क्या हो जाती है एक्सपैंड हो जाती है और कूल्स डाउन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है इट कवर द फायर एज ए ब्लैंकेट एंड ऑल्सो रिड्यूस द टेम्परेचर, जिसके कारण क्या होता है ये टेम्परेचर को और जो फायर होता है इसको कवर कर लेती है एज ए ब्लैंकेट की तरह, और वो वहाँ का इग्निशियल टेम्परेचर को भी घटा दे देती है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। दूसरा होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, दूसरा क्या है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, ये कॉमनली यूज होता है। दिस कंसिस्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें क्या होता है ये किससे बना होता है कंसिस्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिसे फॉर्मूला होता है Na2SCO3 इससे होता है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4, क्या होता है H2SO4 एसिड, प्लेस इन डिफरेंट कंपार्टमेंट, इन दोनों को अलग अलग कंपार्टमेंट में प्लेस किया जाता है। जैसे मान लो इसमें किया जाता है Na2SCO3, इसमें कर दिया जाएगा H2SO4। ठीक है, द टू सोल्यूशन कम इन कंटेक्ट, जब दोनों सोल्यूशन एक दूसरे के कंटेक्ट में आते हैं तो रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करते हैं, जो एक नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बशन का है, जो कम्बशन को नॉन सपोर्ट करता है, मतलब कम्बशन को बुझाने का काम करता है। जैसे अगर इसको समझना चाहेंगे तो ऐसे होता है NaCO3 फिर H2CO3 H2SO4, जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या होता है नॉन कम्बस्टिबल होता है, जो आग को बुझाने का काम कर देता है। तो ये रहा आपका फायर एक्सटिंग्यूशर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लेम है, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।